हेलो गाइस, तो आज मैं बात करूंगी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि इंटरव्यू। ये शब्द इंटरव्यू का मतलब होता है कि कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना। तो अगर आप इंटरव्यू में कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, तो कैसे पेश आना होता है, इंटरव्यू में किस तरह बात करना होता है, किस तरह खुद को पेश करना होता है, क्या क्या चीज़ें आप में होनी चाहिए एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, वो टॉपिक है हमारा आज बात करने का। तो पहली बात यह है कि आप में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको तीन शब्द बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, उनकी मीनिंग्स, और उसे फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड हम्बल। हम्बल होना किसे कहते हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड वर्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है। और थर्ड वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो डिफरेंस है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम्बल होने का मतलब ये होता है कि आप जितने भी लाइफ में सक्सेसफुल हो, जो भी सक्सेस हासिल की है, जो भी आप करते हैं, आप सबको ये बहुत ज़्यादा प्राउड हो के मत बताइए। अपने आप को लेके ज़्यादा प्राउड मत होइए। ये समझिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसको ढिंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार खुद की तारीफ़ करना कोई अकलमंदी की काम नहीं होती है। खुद को बहुत कुछ समझना ये गलत बात होता है। वहीं पे आ जाती है नंबर 3, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये कि जब आप समझते हो कि आपसे बेहतर और कोई भी नहीं है, जब आपको लगता है कि आप ही सब कुछ जानते हो और बाकी सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को डुबा लेता है। होना ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस हो आप में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो जब कॉन्फिडेंस होगी आप में, आप लोगों से बात करेंगे इस तरह से कि आप जो बोल रहे हैं आप श्योर है उसके बारे में, पर आप ये नहीं समझा रहे हैं कि आप प्राउड है, या फिर आप ये नहीं समझा रहे हैं कि आप ही सब कुछ जानते हैं और बाकी सब बेवकूफ़ बैठे हैं। तो सही तरीका ये होता है कि आप उन्हें ऐसा दिखाइए कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप श्योर है, पर आप सीखने के लिए भी राज़ी है, उनसे उनका तरीका भी आप जानना चाहते हैं। अगर आपको पसंद लगे तो वो तरीका आप अपनाने के लिए रेडी है, विच मीन्स कि आप फ्लेक्सिबल है। ऑल्सो आप कभी अपने आप को प्राउड नहीं समझते, आप जानते जो भी है वो ठीक है, पर आप और भी कुछ जान सकते हैं ज़िंदगी में, मतलब आप हम्बल हैं। ये एटीट्यूड अगर आप अपने आप में लाते हो तो आप ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग कॉन्फिडेंट होने के जगह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वहीं पे उनकी गलती हो जाती है। तो ज़िंदगी में अगर आप हम्बल होते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो, और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, तो यही तीन मेन मंत्रा है सक्सेसफुल होने के लिए, मूल मंत्रा जिसे बोलते हैं। तो जैसे ही आप इन तीन शब्दों का मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे और इन्हें अपने ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, तो आप ज़िंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं। अब आते हैं कि किस तरह खुद को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोई इंसान आपको देख नहीं पा रहा है, पर अगर आप इंसान के सामने बैठे हुए हैं या फिर आप वीडियो कॉल में इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपको देख सकते हैं, तब आपका अपीयरेंस मैटर करता है। अब जब मैं कहती हूँ अपीयरेंस, इट डजंट मीन कि आप कितने खूबसूरत है, उससे मैटर नहीं करता है। आप प्रेजेंटेबल है कि नहीं वो मैटर करता है। तो प्रेजेंटेबिलिटी मतलब कि आप ढंग का पेश आना चाहिए उनके सामने। आप क्या पहन के जा रहे हैं, आपका हुलिया कैसा लग रहा है, नॉट आप कैसे दिखते हैं, मतलब आप प्रॉपर लग रहे हैं कि नहीं, आप छिछोरे नहीं लगने चाहिए, आपका रहन सहन कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप किस तरह मैनर्स दिखा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आता है एक बात कि इंटरव्यू में अगर आप बार बार ये बोलेंगे कि मैं सीख लूँगा, मुझे आप सिखा दीजिए, तो वो लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सिखाएंगे तो हम पैसे क्यों देंगे। तो मतलब हम पैसे भी दे रहे हैं और हम सिखा भी रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। ये अगर बात वो लोग कर देते हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा वहाँ पे? आप इस तरह से एक स्मार्ट आंसर दीजिए कि आई विल टेक इट एज योर माई कोच
एंड आई विल प्ले फॉर योर टीम. ठीक है, मतलब आप कोच के हिसाब से मुझे सिखाइए, आपकी टीम का ही बेनिफिट मैं कर दूंगा. तो आप स्मार्ट आंसर्स निकालिए किसी तरह से ताकि वो इम्प्रेस हो जाए, बट यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको हायर करने में उनका बेनिफिट होगा. क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, ऐसे सवाल वो लोग करते हैं कि हम ही सिखाएंगे तो हम पैसे क्यों देंगे, या फिर तुम सीख के किसी और कंपनी में चले जाओगे. ये अगर बात होती है कि अगर हम सिखाते हो और तुम किसी और कंपनी में चले जाते हो तब कैसे होगा, तो फिर हम क्यों सिखाए तुम्हें, तब आप ये बोलेंगे कि नो आई अंडरस्टैंड दैट इज़ अ जेन्युइन फियर दैट यू माइट हैव, या फिर ऐसे कहिए कि आई अंडरस्टैंड यू माइट बी स्केप्टिकल अबाउट दिस, बट लेट मी अश्योर यू इफ़ आई गेट ऑल द ग्रोथ फ्रॉम योर कंपनी आई विल गिव माई 100%. मतलब मैंने क्या कहा कि आप उन्हें इस तरह दिखाइए कि आपके कंपनी में मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे से मैं ग्रो कर पाऊँ और फुल अटेंशन आपके कंपनी को मैं दे सकूँ. मतलब आप दिखाना ये चाह रहे हैं कि आपका उद्देश्य है उनके साथ काम करना और वो आपको ग्रोथ दे, ये एक्सपेक्टेशन भी आप रख रहे हैं. तो एट द सेम टाइम आप अपने एक्सपेक्टेशन भी कह दिए उनको कि आप ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उन्हें ऑफेंड ना हो इसलिए आप डायरेक्टली ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ के चले जाएंगे. आप उनको अश्योरेंस दे रहे हैं कि जितना हो सके मुझसे मैं बेस्ट परफॉर्म करके आपके कंपनी का बेनिफिट करवाऊंगा, इसमें मेरी भी ग्रोथ होगी. तो दिस वे यू आर मेकिंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट बोथ ऑफ यू. ना ही सिर्फ आपका फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा हो रहा है, आप दोनों का फ़ायदा हो रहा है इस डील के साथ, इस इंटरव्यू में अगर वो लोग आपको ले रहे हैं. तो इस तरह से चीज़ को दर्शाइए कि आप दोनों पार्टीज़ को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है. डायरेक्टली नो नहीं बोल रहे हैं आप इस तरह डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं. तो आई होप ये सब आप इंटरव्यू में अप्लाई करेंगे, एंड आई एम श्योर आप सक्सेसफुली हर एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट. अब एक बात अच्छे से समझिए कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं, जो इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हें भी पता है कि आप नौकरी के तलाश में आए हैं, आप ऑलरेडी वहाँ पे नौकरी करते नहीं हैं. तो वो आपसे ऐसी सवाल नहीं करेंगे जो काम से रिलेटेड हो. उनका काम क्या है वो लोग आपको सिखा लेंगे बाद में. तो वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ये देखने के लिए कि आप उस कंपनी में काम करने के लायक है कि नहीं. तो उसके लिए वो ऑब्जर्व ये करेंगे कि आप मैनर्स जानते हैं कि नहीं, लोगों के साथ मिक्स करने के लिए आप में वो क्वालिटी है कि नहीं, आप किस तरह एक दूसरे के साथ पेश आते हो, आपकी बात करने का रहन सहन का तरीका वो जचाई होता है वहाँ पे, वो जांच करने के लिए वो लोग वहाँ पे बैठे हुए. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोलाइट रहना, आप अपना एटीट्यूड पोलाइट रखिए, हमेशा ग्रीटिंग कीजिए. जैसे ही आप दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, या फिर अगर आप वीडियो कॉल पे हैं तो जैसे ही वीडियो ऑन होती है सबसे पहले तो आपको ग्रीटिंग करनी चाहिए. ग्रीटिंग मतलब आप हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी उस टाइम का है उस हिसाब से आपको वो ग्रीटिंग करना है. नमस्ते बोलिए, अगर आपको हिंदी में बोलना है तो नमस्ते बोलिए, अस्सलाम वालेकुम बोलिए, जिस भी तरीके से आपको इस जॉब के लिए अप्रोच करना है ग्रीटिंग वो आप कीजिए. पर ग्रीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है आप उस भाषा में बात कीजिए. गलत भाषा में बात करने से अच्छा है कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है आप वो बात कीजिए. कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो वो बताने में कुछ शर्म मत कीजिए. झूठ बोलने से बेहतर है कि आप ऑनेस्टली बताइए आपको जो चीज़ नहीं आती है. अगर आप किसी जगह पे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं पर आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है तो पहले ही ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है. इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, आपकी ऑनेस्टी देख के वो खुश होंगे. ना कि अगर आप गलत इंग्लिश में बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होंगे. दूसरी बात यह है कि आपको जब तक बैठने को बोला ना जाए आप मत बैठिए. अगर आप वहाँ पे ऑफिस के अंदर है तो, अगर आप अपने घर पे है वीडियो कॉल में तो वो बात ठीक है, पर अगर आप किसी ऑफिस में अंदर जाके इंटरव्यूअर के सामने हैं तो वो जब तक आपको बैठने को नहीं बोलते आप वेट कीजिए. वो खुद आपको बैठने बोलेंगे तब आप थैंक यू बोल के बैठिए. हमेशा हर सवाल को जवाब देने से पहले सोच के फिर जवाब दीजिए. जो भी मुंह में आए पहली दफ़ा ही मुंह खोल के कुछ भी बकमत दीजिए. अच्छे से सोचिए कि आपको क्या बोलना चाहिए और ऑनेस्ट जवाब दीजिए. पर डिप्लोमेटिक होना भी ज़रूरी होता है, जहाँ पे आपको लगे कि जो आंसर आप दे रहे हैं उस आंसर के ऊपर निर्भर करता है आपका काम, आप क्या
मतलब किस चीज़ के लिए क्वालिफाइड है, आप कितना काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इस हिसाब से अगर आपको कोई सवाल किया जा रहा है तो उसमें आप जवाब जो दे रहे हैं उसमें ये बात का ध्यान रखिए कि ये जवाब के ऊपर निर्भर करता है कि आपको वो लोग जो काम दे रहे हैं वो काम आप कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस पहले नहीं किया है तो ऑनेस्टली इस तरह बताइए कि मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है पर मैं काम सीखने के लिए राज़ी हूँ, मैं सीख पाऊँगा, बहुत जल्दी मैं सीख लेता हूँ। और यही चीज़ आप अपने स्ट्रेंथ्स में भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ का एक बहुत एक फेमस क्वेश्चन होता है हर एक इंटरव्यू में कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पूछा जाएगा। स्ट्रेंथ्स मतलब आपके जो खूबियाँ हैं वो, और वीकनेसेस मतलब आपके जो कमियाँ हैं वो। आपसे पूछा जाएगा कि आपके वीकनेसेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ्स के हिसाब से भी आप यही बात कह सकते हैं कि मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ, मुझे सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मैं पकड़ लेती हूँ बहुत चीज़ें बहुत आसानी से। तो इस तरह आप अगर उन्हें दिखाएंगे कि आपको वो लोग जो सिखाएंगे आप जल्दी जल्दी सीख लेंगे, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। पर एट द सेम टाइम ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, ये मत दिखाइए कि आप सब कुछ जानते हैं और आपके आपसे बेहतर और कोई भी नहीं है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है। आप अपने एग्जांपल्स दीजिए कि आपने क्या क्या किया है वहाँ पे, उनके काम के तरीके किस तरह आपके एक्सपीरियंस काम आएगा, उनके काम के तौर तरीके जो भी है उसमें आपके एक्सपीरियंस कहाँ पे उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी, वो सारी बातें कीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें की है और इससे उनके कंपनी में क्या क्या फ़ायदा आप ला सकते हैं, आपके एडिशन होने पे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, ये वो लोग आपसे पूछेंगे कि हम आपको क्यों हायर करें, वाई विल वी हायर यू। ये एक और क्वेश्चन है बहुत फेवरेट इन लोगों का कि वाई विल वी हायर यू, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि आप किस तरह उस कंपनी को वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने वो काम पहले किया है तो आप कह सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस काम में अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ ये काम, मैं अच्छे से मैनेज कर सकते हो लोगों को, ये बात आप कह सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस ना भी हो तो आप इस तरह कह सकते हैं कि हालांकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से टीम वर्क कर सकता हूँ, मैं लोगों को हैंडल कर सकता हूँ, मतलब मैनेजरियल स्किल्स है आप में, टीम वर्क स्किल्स है आप में। तो इस तरह आप बात को घुमा के सामने पेश कीजिए, आप किस तरह बात को पेश कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वही नोटिस किया जा रहा है वहाँ इंटरव्यू में। तो ये नहीं कि आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, आप किस तरह पेश आ रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो नोटिस किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आप प्रेजेंट किस तरह अपने आप को कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके पेश होने का तरीका, आप ऐसे बेंड स्लाउच इस तरह मत जाइए, कॉन्फिडेंट होके चौड़ा होके इस तरह से स्ट्रेट जाइए, आपके कपड़े एकदम फॉर्मल होना चाहिए, जैसे मैंने पहना है एक प्लेन कलर का उस तरह प्लेन कलर का कोई फॉर्मल शर्ट पहन के जाइए, अगर आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो, अगर आप ईस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो ठीक है, पर कुछ ऐसा पहनिए जो बहुत सोबर हो, बहुत चकमक वैसा कोई चीज़ मत पहनिए। अगर आप कोई ईस्टर्न वेयर पहन रहे हैं तो एक कलर का सॉलिड कलर का कोई कपड़ा पहन के जाइए, अगर साड़ी हो या सलवार कमीज़ हो तो। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि आप साड़ी सलवार कमीज़ में नहीं जा सकते, जा सकते हैं, और सबसे बेहतर है वेस्टर्न फॉर्मल्स, लड़के हो लड़कियां हो आप शर्ट पहन के जाए तो सबसे बेहतर होता है, पर अगर आप नहीं पहनते हैं तो जो भी पहनते हैं उसमें कंफर्टेबल होकर जाइए, बिकॉज आप अगर अनकंफर्टेबल होंगे तो वो दिखता है, आपका कॉन्फिडेंस आता है कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं जो पहने हो उसमें। और दूसरी बात यह है कि मेकअप बहुत सादा सा करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है, मेरे चेहरे को देख के आपको समझ में आ रहा है कि कितना सिंपल मेकअप मैंने किया है। लिपस्टिक का कलर बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, जिस तरह मैंने अपना लिपस्टिक पहना है इसी तरह का कलर चूज़ कीजिए जो स्किन टोन के साथ बहुत न्यूट्रल हो। मेकअप हल्का रखिए या फिर नो मेकअप में ही जाइए, इम्प्रेस करना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा अपना फेस सुंदर दिखे ऐसा ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से सुपर मॉडल बन के जाए, वो लोगों के नोटिस में आता है और लोग हंसते हैं उस पर कि कितना बड़ा चढ़ा के मेकअप करके आइए। ईयर रिंग्स एकदम छोटे से रखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने कैसे सॉलिटेयर छोटा सा पहना है,
तो इस तरह कोई छोटे से इयर रिंग्स पहनिए, बाल आप खुला रख सकते हैं, जैसे मैंने बाल खुली रखी है वो ठीक है, पर सबसे प्रेफरेबल ये होता है कि बाल आप बांध ले, पीछे एक पोनीटेल कर ले या चोटी बांध ले, जो भी आपको करना है। बाल अगर आपके बड़े हैं तो आप बाल बांध के जाइए। और लड़कों में भी अगर आप बड़े बाल रखते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंटरव्यूज़ लेने में, लोग जो फॉर्मल लुक पसंद करते हैं, इंटरव्यू का एक स्पेशल होता है प्रेफरेंस उनमें, उनको उतना अच्छा नहीं लगता है कि कोई लड़का बड़ा लंबा बाल रख के आए। वो आप थोड़ा कीजिए कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं आप क्लीन शेव्ड होकर जाइए, अगर आप क्लीन शेव होते हैं तो। अगर आपके लंबे दाढ़ी नॉर्मली रखते हैं हमेशा तो वो ठीक है, पर आप अगर लंबे दाढ़ी नहीं रखते, थोड़ा सा स्टबल अगर आ गया है आपका, तो इंटरव्यू जाने से पहले उस स्टबल को अच्छे से क्लीन शेव कर लीजिए, फिर आप जाइए। हमेशा बहुत फ्रेश लुक होना चाहिए, आप चाहे नहाए हो या ना नहाए हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर दिखना आपको फ्रेश चाहिए। आपके बॉडी से स्मेल नहीं आना चाहिए, आपके फटे फुटे कपड़े नहीं होना चाहिए, जो भी आप कपड़े पहन रहे हो बहुत एक प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब है कि फॉर्मल दिखना चाहिए, भले ही आप कैजुअल्स में गए हो, कुछ ऑफिसेज में कैजुअल्स में जाना अलाउड होता है, पर कैजुअल मतलब ये नहीं कि आप फटे फुटे कपड़े पहने, जो आजकल के स्टाइल वाले कुछ कपड़े होते हैं, स्टाइल वाले कपड़े मत पहनिए, सिंपल वाले कपड़े पहनिए। मतलब जिन कपड़ों में ऐसे जीन्स होते हैं जिसमें टॉर्न जीन्स होते हैं ना, फटा हुआ जीन्स, वो मत पहनिए। कुछ ऐसे लड़कियों का डीप क्लीवेज वाले कपड़े होते हैं वो मत पहनिए, या फिर अगर आप बहुत फ्लैशी वैशी कुछ चीज़ें पहन रहे हैं, बहुत चमकीला वाला चीज़, वो मत पहनिए। स्लीवलेस अवॉइड कीजिए, अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कोई शॉल वगैरह ले लीजिए, स्कार्फ वगैरह ले लीजिए। और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनिए, कि रिवीलिंग क्लोथ्स जिसे कहते हैं, या शॉर्ट कपड़े मत पहनिए, वो सही नहीं होता है। अनलेस आप कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, कुछ एयर होस्टेस या इस टाइप के जॉब होते हैं जहाँ पे इंटरव्यूज़ की यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, वो ठीक है, उनका यूनिफॉर्म जिस तरीके का होगा वो आपको पहनना ज़रूरी होगा, पर अदरवाइज़ नॉर्मल किसी भी इंटरव्यू के लिए आप छोटे कपड़े पहन के मत जाइए। डिसेंट लगना बहुत ज़रूरी है, हॉल्टर नेक या शो ऑफ करने वाले कपड़े मत पहनिए। अगर आप वन पीस पहनना चाहते हैं वो ठीक है, बॉडी सूट जिसे कहते हैं, जो बिजनेस सूट्स होते हैं वो सब ठीक है वन पीस, लेकिन वो नी लेंथ तक होना चाहिए, नी लेंथ के ऊपर ना हो, और जो नेक लाइन है वो यहीं तक होना चाहिए, इसके नीचे नहीं, बटन्स यहाँ तक खुले हुए नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका प्रेजेंटेबिलिटी कैसा है। इंटरव्यू हो जाने के बाद अगर आप चाहते हो तो हैंडशेक कर सकते हो इंटरव्यूअर्स के साथ, या फिर आप नमस्ते कीजिए, अस्सलाम वालेकुम बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, थैंक यू कीजिए, ग्रीटिंग करके फिर से वापस बाहर आइए, हैव अ गुड डे, ये सब बोलिए, ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी इंटरव्यू में आप अगर जाते हैं तो। बोलने के समय फंबल मत कीजिए, कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, भले ही आप थोड़ा सा बात करें पर आप जो बोले वो एक सेंटेंस में बोलिए, हकला के मत बोलिए, ठीक है, नर्वस होके डर के हकला के मत बोलिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो सिंपली बोल दीजिए मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आती है, बट उठ के उसके साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि आई विल बी हैप्पी टू लर्न, कि मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे बता सकते हैं तो ऐसा है। अगर आपने कोई गलत जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि ये जवाब गलत है, ऐसा नहीं है, तो सॉरी बोलिए, बोलिए आई अपोलोजाइज, मे बी आई वॉज रॉन्ग बट यू कैन टेल मी हाउ इट्स डन, इस तरह बोलिए। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको स्वीकार कीजिए, डोंट फाइट फॉर योर डिफेंस कि नहीं नहीं मैंने सही बोला है, मुझे सब पता है, ये एटीट्यूड बहुत गलत है। भले ही आप जानते हो कि आप सही बोल रहे हो सकता है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं है, अगर वो बार बार आपको कह रहे हैं कि उन्हें गलत लग रहा है, तो आपको बोलने का तरीका होना चाहिए ताकि वो ऑफेंडेड ना हो, ठीक है। अगर आप उन्हें इस तरह भी बोल सकते हैं कि हो सकता है इसका दो जवाब हो सकता है इसका दो तरीके हो, आप जो कह रहे हैं मैं वो भी ट्राई करके देख सकता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे उस तरह से होता है, तो ये एक डिप्लोमेटिक वे होता है बोलने का कि आप भी सही है वो भी सही है,
तो कोई भी बात अगर आप करते हो, मेक श्योर कि आप इंटरव्यूअर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इंटरव्यूअर को ऐसे नहीं समझा रहे हो कि वो गलत बोल रहे हैं, उन्हें ऑफेंड मत कीजिए, उन्हें बुरा ना लगे किसी बात का, इस तरह से बात कीजिए। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जिनका आप अगर ख्याल रखते हैं तो किसी भी इंटरव्यू में आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी।